नमस्कार दोस्तों, मैं अमन बंसल आप सभी का स्पोर्ट्स मिर्ची के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वीवो आईपीएल 2017 के चौथे मैच की, जिसमें किंग्स इलेवन पंजाब और राइजिंग पुणे सुपर जायंट की टीमें जो है आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें जो है वो काफी अच्छी दिख रही है और एक बेहद रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। इंदौर का होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो है इस मैच को होस्ट करेगा और आप सभी को मैं बता दूं कि ये किंग्स इलेवन पंजाब का होम ग्राउंड रहेगा इस सीजन में। दोनों ही टीमों के बीच ये जो चौथा मैच है ये शाम को 4 बजे स्टार्ट होगा। डबल हेडर है 8 अप्रैल के दिन, तो दोनों ही टीमों के लिए एक बेहद खास मैच होने वाला है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों ही टीमों को ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स जो है वो लीड कर रहे हैं। किंग्स इलेवन पंजाब जो है ग्लेन मैक्सवेल की कप्तानी में खेलेगी, जबकि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को स्टीवन स्मिथ जो है लीड करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि किंग्स इलेवन पंजाब ने ग्लेन मैक्सवेल को कप्तान बनाया है इस सीजन के लिए। ग्लेन मैक्सवेल एक अच्छे ऑलराउंडर है और टीम के लिए काफी उन्होंने योगदान भी किया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो उनके अगेंस्ट जाता है वो ये है कि ग्लेन मैक्सवेल ने अभी तक कप्तानी कहीं पर भी नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो कभी भी कप्तान नहीं रहे हैं, ना ही उन्होंने कभी किसी डोमेस्टिक टीम में जो है कप्तानी की है। तो ग्लेन मैक्सवेल के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीजन होने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट मैच होने वाला है ये। इससे पता चलेगा कि वह किस तरीके से जो है कप्तानी के रूप में भी पेश आ सकते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब जो है वो मुरली विजय के बिना खेलेगी, क्योंकि मुरली विजय जो है वो इंजरी के चलते हुए बाहर हो गए हैं टूर्नामेंट से। हालांकि टीम के लिए खुशखबरी की बात यह है कि ईशांत शर्मा जो है वो टीम के साथ जुड़ गए हैं और फास्ट बॉलिंग में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ईशांत शर्मा, वरुण नारायण, मोहित शर्मा की तिकड़ी जो है वो टीम के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अक्षर पटेल और जो है गुरप्रीत सिंह मान, संदीप शर्मा, ये सब लोग जो है एक इम्पोर्टेंट बॉलर्स के रूप में जो है टीम के साथ रहेंगे। टीम जो है हैविली डिपेंड कर रही है बैटिंग लाइनअप पे, जिसमें कि ग्लेन मैक्सवेल, डेविड मिलर, मनन वोहरा, हाशिम मामला, मार्टिन गुप्टिल, डेरन सैमी, ये सरीके बल्लेबाज हैं जो कि मैच कभी भी पलट सकते हैं। हालांकि 4 ही जो है वो इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में, तो देखना होगा टीम कैसा खेलती है। हालांकि वीरेंद्र सहवाग जो टीम के मैनेजमेंट में भी है, उन्होंने कहा है कि टीम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी और उम्मीद है कि टीम एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। दूसरी तरफ राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की जो टीम है वो मैच जीत कर आ रही है। जी हाँ, आरपीएस की टीम ने जो है वो अपना पहला मैच मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जो है वो आसानी से जीत दर्ज की थी और 7 विकेट से वह मैच जीत कर टीम ने टूर्नामेंट में जो है वो अभियान जो है अपना अच्छा स्टार्ट किया था। तो उम्मीद है कि जो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। टीम जो है वो हैविली डिपेंड करेगी ओपनिंग बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे पर, जिन्होंने की पिछले मैच में भी 60 रन की पारी खेली थी, और कप्तान स्टीव स्मिथ, जिन्होंने की 84 रन की मैच विनिंग पारी खेली थी। तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम भी शानदार है और टीम का जो वीक लिंक है वो उनकी बॉलिंग है। अशोक डिंडा ने आप लोगों को याद होगा कि पिछले मैच में आखिरी ओवर में 30 रन पड़वा दिए थे, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस जो है 184 रन का टारगेट रन बना पा रही थी, स्कोर खड़ा कर पाई थी। तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को बॉलर्स की आवश्यकता है और उम्मीद है कि अशोक डिंडा जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है दोस्तों आपको, कैसा रहेगा इस मैच में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और किंग्स इलेवन पंजाब का परफॉर्मेंस? हमारे अकॉर्डिंग तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स जो है वो जीत की दावेदार है और उनके पास जो है 65% विनिंग चांसेस है किंग्स इलेवन पंजाब के ऊपर। शेयर कीजिए अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपके पास ऐसे ही एनालिसिस और वीडियो लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।